उज्जैन के तराना तहसील में बस स्टैंड पर इस समय जबरदस्त गर्मी से इंदौर, उज्जैन, भोपाल, अन्य शहरों से आने वाले यात्रियों और आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। सबसे बड़े बस स्टैंड पर पानी के पीने के लिए व्यवस्था न होने की वजह से लोग यहां गर्मी से परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। वहीं जब उन्हें प्यास लगती तो पूरे बस स्टैंड पर इधर उधर पानी को ढूंढते हैं और थक हार कर होटल स्टैंड पर जाना पड़ता है, जहाँ उन्हें खरी खोटी सुननी पड़ती है। वहीं यात्रियों को पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है, पर जिम्मेदार प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों ने न तो पानी की टंकी बनवाई है, न प्याऊ का निर्माण करवाया है और न ही पानी पीने की कोई व्यवस्था की है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। कहाँ रहते हैं आप? तराना। ये बस स्टैंड तराना का सबसे महत्वपूर्ण बस स्टैंड है ये। अब यहाँ पर सारे लोग आते हैं तो पानी के लिए किस प्रकार से परेशान होते हैं? बैठे रहते, फिर होटल पे जाते पानी पीने। पानी की सुविधा यहाँ पर नहीं है? होटल वाले भी मना कर देते। प्रकाश जय प्रकाश जी, ये कौन सा बस स्टैंड है? हाँ, ये कौन सा बस स्टैंड है? ये तराना बस स्टैंड है। कहाँ कहाँ के लिए यहाँ से बसें जाती हैं? अच्छा, सभी दूर के लिए यात्री यहाँ से? अच्छा, सभी दूर यहाँ से जाते हैं? हाँ जाते हैं। तो यहाँ तो बहुत यात्री आते होंगे यहाँ पर। आते हैं। फिर अगर आप गर्मी में पानी पीना हो किसी को तो पानी कहाँ पिएगा? तो कहाँ पानी, कुछ भी नहीं व्यवस्था सर। पानी की व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं। तो ये तो बहुत समस्या है। पानी होना चाहिए, पानी होना चाहिए यहाँ पर, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।